ओके तो ये वाला जो हमारा सेक्शन है इसमें मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट वाले जो क्वेश्चंस हैं बेसिकली रैंक नलिटी से रिलेटेड, यानी कुल मिला के आप कह सकते हो कि लीनियर अलजेब्रा के जो प्रीवियस ईयर और अदर क्वेश्चंस हैं उसको हमने टॉपिक वाइज कलेक्ट किया है, वो वन टू वन हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऑलमोस्ट सारे ही हैं, बट जो ज़्यादा ठीक है, क्रूशियल है आपके एग्जाम के लिए, वहाँ पे जो बेसिक चीज़ें समझनी जो जरूरी है उन सबको हमने एक साथ कंपाइल किया है चैप्टर वाइज। तो इसमें मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स एंड देयर प्रॉपर्टीज के नाम से होगा आपके स्लाइड में, आप वहां से देख लेना। हम क्वेश्चन वन बाई वन शुरू करते हैं। ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक हमारे पास एक सेट है, सेट एस ए इज इक्वल टू दिस एंड ए आई जे इज इक्वल टू जीरो और वन, यानी एंट्रीज मैट्रिक्स की जीरो और वन है, और उसके बाद आपका समेशन ए जे ए आई जे इज वन एंड समेशन ए आई जे इज इक्वल टू वन व्हेन जे एक आई कर लो एक जे कर लो, मीन्स एक बात कर रहा है कि भाई रो में सारी एंट्रीज का सम वन है, एक बात कर रहा है कि कॉलम में, आप पीडीएफ में देख लेना, एक में आई होगा बेसिकली ऐसा कुछ होगा, समेशन ए आई जे, यहाँ पर आई रन फ्रॉम वन टू फाइव वन हो जाएगा, और समेशन ए आई जे जे रन फ्रॉम वन टू फाइव भी वन होगा, यानी किसी भी रो में जो सम होगा वो भी वन होना चाहिए, जो कॉलम में जो सम होगा वो भी वन होना चाहिए। तो यानी इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि सम ऑफ ईच रो वन होना चाहिए, थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में लिख लेते हैं, सम ऑफ ईच कॉलम वन होना चाहिए, यानी सम ऑफ ईच एलिमेंट इन ईच रो ऐसा करके होना चाहिए, सम ऑफ ईच रो वन, सम ऑफ ईच एलिमेंट इन ईच कॉलम इक्वल टू वन, एंड एंट्रीज जो हैं आपकी वो हैं इधर जीरो और वन, या तो जीरो होना है या तो वन होना है। अब देखो जरा सा मैट्रिक्स को हम फॉर्म करते हैं कि कह रहे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, फाइव बाई फाइव का ध्यान रखना, जो आपका एस है वो क्या है, फाइव बाई फाइव का है, तो फाइव बाई फाइव में देखो एलिमेंट आपका हम बना लेते हैं फटाफट फटाफट, फिर नंबर ऑफ चॉइसेस काउंट कर लेंगे। ठीक है, चलो डॉट का मतलब हम यहाँ पर एलिमेंट बना लेंगे, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, चलो सबसे फर्स्ट रो में वन कर देता हूँ पहली पोजिशन पे, दूसरे में यहाँ मेरे को जीरो करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मेरे को सम क्या बताना है, आर वन में जो सम है वो मेरे को बताना है कि भाई जीरो होगा। ठीक है, तो नहीं तो अब एक आधा और भी एक डालोगे तो सम जीरो नहीं होगा, फिर सम टू हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, एंड सो ऑन। और एंट्रीज जो यहाँ पे मैंने क्या बोला, जीरो एंड वन ही रहेगी, तो अब यहाँ देखो या तो वन रहेगी या तो जीरो रहेगी। अब देखो ये मेरा पहला रो हमने बना लिया, और पहले कॉलम का भी सम यानी सम ऑफ ईच एलिमेंट इन ईच कॉलम वन होना चाहिए, तो इधर भी मेरा सम वन होना चाहिए ना, तो यहाँ पर अगर वन डाल दिया तो मेरे को चार जीरो पुट करने पड़ेंगे, जीरो जीरो जीरो। ठीक है, अब यानी अब पहले रो को आप ध्यान से देखो, मैंने अगर वन यहां पर फिक्स कर लिया है तो ये ऐसे हो जाएगा, अगर मैं वन यहां पर फिक्स कर लेता तो ये बाकी जीरो हो जाते और इसके नीचे सारा जीरो हो जाता। ठीक है, यानी पहले जो पहला जो मेरा रो है इसमें मैं कितने तरीके से वन को फिक्स कर सकता हूं, फाइव वेज। ठीक है, इस साइड लिख देता हूं, इस साइड एक सेकेंड, हाँ ठीक है, इसमें यहां पर हो गया मेरा वन जीरो जीरो जीरो, तो ये है मेरा R2, और इस वन को मैं कितने तरीके से रख सकता हूँ, चाहे मैं यहां रख सकता था, यहां रख सकता था, यहां रख सकता, यहां रख सकता, तो मैं यहां पर लिख देता हूं फोर वेज, फर्स्ट वाले में फाइव वेज, तो ये फाइव यहां से आप इधर मान लीजिए, सेकंड में अगर मेरा वन, इसका वन सम होना है, इसका सम वन होना है, तो यहां पर क्या हो जाएगा जीरो जीरो जीरो। सिमिलरली आप वन, अब मेरे पास तीन चॉइस है, चाहे मैं यहां पुट करूं, चाहे मैं यहां पुट करूं, चाहे मैं यहां पुट करूं, चलो मैं यहां कर देता हूं, तो चॉइसेस कितनी है, आर थ्री में वन को पुट करने की थ्री चॉइसेस हैं, चाहे यहां चाहे यहां चाहे, अगर यहां पर कर दिया तो बाकी क्या होगा, बाकी होगा आपका अपने आप जीरो। अगले और इस कॉलम में सम वन होना है, तो एक वन मैंने यहां पुट कर दिया तो बाकी क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें इस कॉलम में और इस रो में मेरे पास दो चॉइसेस है, वन या तो मैं यहां रख सकता हूं या तो मैं यहां रख सकता हूं, चलो मैंने वहां कर लिया, तो यहां मेरे को जीरो करना पड़ेगा, और
और इस कॉलम में जो सम है वो वन होना चाहिए, तो वन यहाँ पर डाल दिया, ये तीन जीरो है, ये भी जीरो है। लास्ट में एक ही चॉइस बचेगी यहाँ पर, यहाँ पर जो आर फोर है इसके लिए मैं बोलूंगा कि भाई टू चॉइसेस है, आर थ्री जो है हमारे पास, सॉरी आर वन, आर टू, आर थ्री, आर फोर, आर फाइव में इसमें वन चॉइसेस है। सिमिलरली इसको आप प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को आप कॉलम वाइज भी कर सकते हो। तो नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी है, टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के हिसाब से मल्टीप्लाई कर लेंगे धीरे धीरे, सॉरी डायरेक्ट, फाइव फोर थ्री टू वन इज इक्वल टू फाइव फैक्टोरियल, यानी 120। तो जो आपका फाइव फैक्टोरियल है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो वन मोर थिंग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, कि अगर आप सिक्स बाई सिक्स का ले लेते मैट्रिक्स, फॉर एग्जाम्पल अगर आप सिक्स बाई सिक्स का लेते तो आंसर सिक्स फैक्टोरियल, जनरलाइज करके एन बाई एन में चलते तो एन फैक्टोरियल एंड सो ऑन। आई होप इट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें हमें निकालना है डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, है सीधा सीधा है, जो मैट्रिक्स है आपका, आपको दिख रहा होगा ये है सिक्स बाई सिक्स का, ठीक है। तो इसको हम लोग फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, और आपको ये देखना कि जो फर्स्ट कॉलम है इसमें सारे जीरो हैं, केवल एक टू है, तो इसको मैं जीरो बना लूंगा, इसको मैं जीरो बना लूंगा, इसको मैं जीरो बना लूंगा। तो अपने आप इस लीडिंग डायगोनल में आप जहां पे ये कर्सर है वहां पे देखिएगा, जो लीडिंग डायगोनल है वो है 1 1 1 1 1, उसके नीचे सारे एलिमेंट अपने आप जीरो हो जाएंगे, यानी ट्रायंगुलर फॉर्म बन जाएगा। और जब डिटरमिनेंट ट्रायंगुलर फॉर्म में निकालना होगा है होता है, तो डायगोनल एलिमेंट्स को आप मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं डिटरमिनेंट इन ट्रायंगुलर फॉर्म, लोअर हो चाहे अपर हो दोनों में, इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायगोनल्स, ठीक है। चलो तो पहले मैं ये ध्यान रखना कि मैं यहां पे पहले मैं क्लियर कर देता हूं, इसका नाम है चलो R1, R2, थोड़ा सा कैलकुलेशन डायरेक्ट करेंगे, R3, R4, वी हैव दिस R5 एंड लास्ट वन इज R6। तो रो वाइज कर लेते फटाफट। तो इसमें ध्यान रखना कि मैं इसको जीरो कर लूंगा, इसको जीरो कर लूंगा, इसको जीरो कर लूंगा, इस R6, सॉरी R6 को जीरो करने के लिए मैं R1 का यूज करूंगा, यानी जो मैं यूज करूंगा यहां पर लिख देता हूं R6 replace for R6 minus, यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, तो twice हो जाएगा, twice R1। फिर R5 replace for, this is your R5, और ये इसके थ्रू जीरो होगा, तो R5 replace for R5 minus R, sorry minus twice होगा ना यहाँ पे, तो like we have twice R2 and last one is R4 replace for R4 minus twice R3, यानी ये आपका R4 है, ये वाली रो R4 है और ये वाली रो R3 है, तो twice करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नेट अब देखो चेंज कौन कौन हो रहा है, R6 चेंज हो रहा है, R5 चेंज हो रहा है, R4 चेंज हो रहा है, बाकी अनचेंज है। तो पहले मैं इसको R1, R2, R3 अनचेंज है उनको लिख लेता हूं, तो ये क्या मिल जाएगा मेरे पास, ये मिल जाएगा 1 0 0 0, चार बारी 0, देन 2, फिर अगले में 0 1, यहां पर है हमारा 0 0 2 0, फिर अगले में हमारा 0 0 1 एंड लाइक 2 0 0। अब ये तीनों चेंज हो रहे हैं। अब जरा देखना ये जो R4 है, R4 यहाँ पर मैंने लिखा है रिप्लेस फॉर R4 माइनस ट्वाइस R3, तो यहाँ पर तो 0, यहाँ पर भी 0 0 हो जाएगा। यहाँ से देखना है आपको ये वाला R3 एंड R4, ये दोनों तो 0 ही रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस वाले में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा इसमें 2 से, यहाँ पहले 1 था, यहाँ सी दिस, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 2 से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो माइनस 3, बाकी आपके 0 0। सिमिलरली R5 और R2 के हिसाब से देखेंगे, तो R5 में यहाँ पर 0 है आपका, यहाँ पर 2 है,
ये वाला आपका टू है, ये वाला आपका वन है, तो ये टू टू से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, ये बाकी तो ऑलरेडी ये जीरो जीरो है ही दो हमारे पास, ये वाला सिमिलरली अबव की तरह माइनस थ्री, यहाँ पर जीरो, लास्ट वाला हमारा यहाँ टू था, लुक हियर यहाँ पर टू है, यहाँ पर वन है, तो टू मल्टीप्लाई टू से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक करेंगे, ये जीरो हो जाएगा, देन इट ऑल विल ऑल्सो बी जीरो 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 माइनस थ्री। तो हमारे ये जो नया मैट्रिक्स बन गया इस फॉर्म में, ये है मैट्रिक्स हमारा सिक्स बाई सिक्स का। अब ये ट्रायंगुलर फॉर्म में आ गया, तो इसका जो डिटर्मिनेंट मिलेगा, डिटर्मिनेंट विल बी ट्रायंगुलर, जो डायगोनल एलिमेंट है सबको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ध्यान रखना, चाहे अपर ट्रायंगुलर हो, चाहे लोअर ट्रायंगुलर हो, चाहे डायगोनल हो, सब में आपको क्या कर देना है, डायगोनल मैट्रिक्स से एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या बन जाएगा, वन इंटू वन इंटू वन इंटू माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री इक्वल टू माइनस 27। ठीक है, क्लियर है। अब रही बात ऐसे कि सर क्वेश्चन को कैसे ही या कैसे देखते ही हम इस कंक्लूजन पे पहुंच जाएं किस किस टाइप के रो कॉलम ऑपरेशन लगाने हैं या रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन लगाना है, तो वही ये तो चीज प्रैक्टिस से आएगी, और प्रैक्टिस सेट वगैरह में इस टाइप के क्वेश्चन है हमारे पास। तो इसमें फिलहाल हमारा आंसर है माइनस 27, और ऐसे क्वेश्चन देखते ही आपको समझ, आपको 6x6 का भी मिल सकता है, आपको 5x5 का भी मिल सकता है, कभी कभी ऐसे एलिमेंट्स की डायगोनल एंट्रीज भी निकालने को आ सकती हैं, या सॉरी डायगोनल एलिमेंट्स के बिहाफ पे आप आइगन वैल्यूज भी निकाल सकते हो, कभी कभी आइगन वेक्टर या आइगन वैल्यूज निकालने के लिए 6x6 7x7 तक चले जाते हैं। तो जब ये ध्यान रखना कि जब भी मैट्रिक्स का फॉर्म या स्ट्रक्चर थोड़ा सा बड़ा हो, लाइक 6x6 का हो, 7x7 का हो, तो ये ध्यान रखना आपको कुछ ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना, एक दो स्टेप में वो हो जाएगा, और कुछ ऐसी चीज उसी में छुपी हुई है जिससे वो अनलॉक होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर उसी में छुपा हुआ, थोड़ा सा क्रैक कर लोगे, दिमाग लगा लोगे तो वो मिल जाएगा। ठीक है, ये कुछ खास नहीं है क्वेश्चन, मतलब एवरेज किस्म का क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है इसमें, तो कोई समस्या की बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, बेसिक रैंक वाली, रैंक का क्वेश्चन है ये। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट डी बी अ नॉन जीरो एन बाई एन रियल मैट्रिक्स विथ एन इक्वल और ग्रेटर देन टू। इसका मतलब क्या है कि जो मैट्रिक्स है वो 2x2 का है, या 3x3 का है, या 4x5 का है, 4x4 का, एंड सो ऑन, इसमें से कौन सा वैलिड है। और जब भी वैलिड वर्ड यूज करता है, ध्यान रखना, वैलिड का मतलब है कि नेसेसरली ट्रू, मतलब हमेशा वैलिड रहेगा, मतलब ये जो सारे स्टेटमेंट है ना, इसमें से सारे स्टेटमेंट कभी ना कभी ट्रू, कभी ना कभी फॉल्स होंगे, लेकिन अब वो आपको पिक करना है जो ऑलवेज वैलिड हो, यानी ऑलवेज ट्रू हो, यानी ऑलवेज सॉरी वो नेसेसरीली ट्रू हो, ऐसे लैंग्वेज में क्वेश्चन मिलता है आपको। चलो फटाफट देख लेते हैं, ध्यान रखना। एक इसके पहले एक चीज मैं आपको क्वेश्चन के साथ ही बता देता हूँ, रैंक का तो आपका आइडिया होगा, लेकिन अगर मैंने बोला कि चलो आपका मैट्रिक्स एक एन बाई एन का है मैट्रिक्स, तो इसके लिए अगर रैंक का मतलब क्या है, अगर रैंक इसकी एन आ गई, जिसको मैं फुल रैंक बोलता हूं, इसका मतलब है कि आपका इसमें एन एल, वैसे तो नोट्स में और क्लास में मैंने करा रखा है, बट यहां पर मैं एन एल आई रोज, या एन अब स्क्वायर है तो एन एल आई कॉलम्स, मैं ऐसा बोल सकता हूं। पहली इंफॉर्मेशन ये बताना चाह रहा हूं आपको, और दूसरा मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर आपका डिटर्मिनेंट जीरो हो जाए, कि एन बाई एन में ही, एन बाई एन की एक मैट्रिक्स है, तो अगर इसमें मैं बोल रहा हूं कि डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो हो जाती है, यानी जीरो हो जाती है, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा इसकी जो रैंक है वो डेफिनेटली लेस देन एन हो जाएगी, यानी जीरो और वन और टू और थ्री अप टू एन माइनस वन तक जाएगी। ठीक है, तो ये दो चीज मैं यहाँ पे साइड में मैंने लिख दिया, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने आपको क्लासेस में करा रखा है, तो इसको हम वापस से वहां पे आप जाके फटाक से रिवाइज कर सकते हो, दो मिनट का काम है। ठीक है, तो इसको हम क्वेश्चन के साथ फटाफट हैंडल कर लेते हैं। क्वेश्चन में सिंपल सिंपल है, क्योंकि एग्जाम्पल और काउंटर एग्जाम्पल यहाँ पे देने हैं, उसी से आपका काम हो जाएगा, कुछ खास ये क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, चलो ये हमने सेलेक्ट कर लिया, फटाफट देखना शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है भाई, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि अगर डिटर्मिनेंट जीरो हो,
तो रैंक भी जीरो होगा। क्या ऐसा जरूरी है? अब सिंस ऐसा कोई रिजल्ट अगर आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, ये चीज में अगर आप डाउटफुल हो तो आप एग्जाम्पल लेना शुरू करो। जो पहले ए वाले पार्ट में आप एग्जाम्पल लो, ए वाले पार्ट में कह रहे डिटर्मिनेंट जीरो वाले लो। जैसे आपने यहां पर वन ले लिया, यहां पर टू ले लिया, यहां पर वन ले लिया, चलो यहां पर टू ले लिया। अब ध्यान रखना इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट डी से लिख दे रहा हूं जीरो हो रहा है, लेकिन इसका जो रैंक है, रैंक को मैं रो से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, रैंक वन हो रहा है। ठीक, रैंक वन हो रहा है। अब टू बाई टू तक के लिए होगा चाहे थ्री बाई थ्री, ये सबके लिए वैलिड है, लेकिन ये वन बाई वन के लिए वैलिड नहीं है भाई। इसमें थोड़ा सा इसीलिए यहां पर ये कंडीशन बहुत जरूरी है, ये जो इन्होंने दे रखा है ना, ये वाला एन इक्वल ग्रेटर देन टू, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर मान लो मेरा वन बाई वन का एक मैट्रिक्स है, मैंने ऐसे बोला कि भाई जीरो, तो ये वन क्रॉस वन का मैट्रिक्स है, इसके लिए क्या है, हमारा डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा और हमारा रैंक भी जीरो हो जाएगा, तब तो ये होल्ड कर जाएगा। लेकिन ध्यान रखना ये जो वन बाई वन की बात कर रहा है, ये आप ले नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे ये मेंशन कर रहा है कि उसका जो ऑर्डर है मैट्रिक्स का वो वन क्रॉस वन का है, सॉरी टू क्रॉस टू या उससे ग्रेटर लेना है आपको। ठीक है, तो ये चीज हो गई ऑप्शन। तो इस हिसाब से रैंक अगर सॉरी डिटर्मिनेंट जीरो है तो रैंक जीरो ऐसा जरूरी नहीं है, रैंक वन भी हो सकती है। सिमिलरली मैट्रिक्स थ्री बाई थ्री का ले लोगे, अगर थ्री बाई थ्री का ले लोगे तो उसमें हो सकता है कि डिटर्मिनेंट जीरो हो और रैंक थ्री हो, रैंक आपकी थ्री हो जाए। ठीक है, फुल रैंक मिल सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है, जैसे थ्री बाई थ्री में भी समझ लो यार आप, अगर आपको थोड़ा सा समझना चाहते हो। मैंने बोला कि एक मैट्रिक्स है हमारे पास वन वन वन, टू 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 और थ्री थ्री थ्री। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे इसकी डिटर्मिनेंट जीरो है और इसकी रैंक इसकी भी वन है, और यहाँ पर अगर मैं वन टू वन टाइप का कुछ कर दूं तो रैंक टू हो जाएगी, एंड सो ऑन। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि डिटर्मिनेंट जीरो है तो जरूरी नहीं कि रैंक भी जीरो हो, रैंक हो सकती है नॉन जीरो लाइक वन टू हो सकती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा क्लियर हो गया कि भैया ये हमारा गलत है। ऑप्शन बी हमारा, बी पे बात करें, डिटर्मिनेंट वन है तो रैंक नॉट इज इक्वल टू वन होगा। अच्छा, इस पे बात करें, एक सेकेंड इसको मैं क्लियर कर लूं फटाफट। तो इसमें सिंपल सा एग्जाम्पल ही लेके इसको भी चेक कर लेंगे, इसमें कुछ करना नहीं है, तो इसको फटाफट यहां से। अच्छा, डिटर्मिनेंट वन, अगर आपको कुछ कंस्ट्रक्ट करना हो कि एक ऐसा मैट्रिक्स बनाओ जिसका डिटर्मिनेंट वन हो, अब सोचो कि यहां पर डायरेक्ट थ्योरम आपको काम नहीं आ रहा है। थ्योरम जो हमने बार बार किया है या जो हमने रिजल्ट्स किए हैं क्लासरूम में, जिन रिजल्ट्स पे हमने कुछ क्वेश्चन एग्जांपल्स देखे हैं, तो वो थ्योरम्स आपको काम नहीं आएंगे। यहाँ पे आपको काउंटर एग्जांपल और एग्जांपल से ही काम चलाना पड़ेगा। ये हम ऐसी जगह पे आ चुके हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखें फटाक से ये क्या कह रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, हाँ बी में हम बात कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट वन है लाइक वन टू वन वन। डिटर्मिनेंट वन का मतलब नॉन जीरो समझना, इसका डिटर्मिनेंट क्या दे रखा है वन, वन का मतलब है नॉन जीरो, नॉन जीरो का मतलब इन्वर्टिबल। अभी मैंने ऊपर बोला था कि जब शुरुआत में, और डिटर्मिनेंट वन है यानी नॉन जीरो है, इसका मतलब क्या है, इन्वर्टिबल मैं बोल देता हूं, इन्वर्टिबल। अब जब भी डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगी, फुल रैंक मिलेगी। क्या मिलेगी, फुल रैंक मिलेगी। यानी अगर मैंने एक टू बाई टू का मैट्रिक्स ले लिया, या जो कि यहां पे मैंने लिया है टू बाई टू का मैट्रिक्स ले लिया, और मैंने बोला कि डिटर्मिनेंट जीरो है, तो ध्यान रखना रैंक अपने आप फुल मिल जाएगी यानी टू। थ्री बाई थ्री का ले लिया और डिटर्मिनेंट आपका सॉरी नॉन जीरो लेना है, इक्वल टू वन लू चाहे नॉन जीरो लू, एक ही चीज है, इसलिए मैंने यहां पे मेंशन कर दिया, इक्वल टू वन लू चाहे नॉन जीरो लू, दोनों एक ही चीज है यहाँ पे। ठीक है, तो टू बाई टू लूंगा मैं अगर, तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो यानी डिटर्मिनेंट इक्वल टू वन यानी नॉन जीरो, तो रैंक टू। तो डिटर्मिनेंट यहाँ पर मैं नॉन जीरो ले रहा हूं तो रैंक थ्री हो जाएगी। यहां पर अगर मैं फोर बाई फोर लूंगा तो डिटर्मिनेंट वन यानी कि नॉन जीरो, तो रैंक आपको फोर मिलेगी, एंड सो ऑन। लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है कि रैंक नॉट इज इक्वल टू वन, हर केस में सही है। यहां पर नॉट इज इक्वल टू वन यानी टू है, रैंक नॉट इज इक्वल टू वन यानी थ्री है, रैंक नॉट इज इक्वल टू वन यानी फोर है। अब ये नॉट इज इक्वल टू वन क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये टू बाई टू के हिसाब से वो आप कह रहे हैं कि आप टू बाई टू के हिसाब से सोचो। अगर लेकिन आप ऐसा कोई मैट्रिक्स ले लो, ध्यान रखना एक ऐसा मैं मैट्रिक्स ले लू, इस साइड यहां पर लिख लेता हूं, जो वन बाई वन टाइप का, लाइक ऐसा, ये वन क्रॉस वन का है, तो इसकी डिटर्मिनेंट तो होगी वन,
इसकी रैंक भी हो जाएगी वन। तो यहां पर आपको एग्जांपल मिल जाएगा, लेकिन ध्यान रखना कि वन बाई वन आप नहीं ले सकते। ये बार बार यहां पे बोल रहा है आपको कि एन इक्वल और ग्रेटर देन टू लेना है आपको। तो इस हिसाब से या इन एग्जांपल्स के बिहाव पे जब भी डिटर्मिनेंट आपका वन होगा यानी कि नॉन जीरो होगा तो रैंक वन नहीं होगा। रैंक वन तब होगा जब यहां पर एन इक्वल और लेस देन वन कर दे, तब हो सकता था, लेकिन ये चीज है नहीं। एन इक्वल और ग्रेटर देन टू है तो जब डिटरमिनेंट वन यानी कि डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा तो आपकी फुल रैंक मिलेगी। यानी आप टू बाई टू का लेके चलोगे तो रैंक टू मिल जाएगी, थ्री बाई थ्री का लेके चलोगे तो थ्री मिल जाएगी, फोर बाई फोर का करोगे तो फोर मिल जाएगी, एंड सो ऑन। मीन्स हर केस में नॉट इज इक्वल टू वन रहेगी एक्सेप्ट आप यहाँ पे वन बाई वन का ले। तो ये चीज आपका क्लियर है कि ये ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट आते हैं, रैंक वन इंप्लाइज डिटरमिनेंट नॉन जीरो। भाई ऐसा कुछ नहीं है, जैसे यहां पर आप देख लो, ऐसे मैं बना लेता हूं ऑप्शन सी के लिए, देख लेते हैं। ये हमारा सी है यहां पे लाइक दिस, तो ये है हमारा लाइक वन वन टू टू, इसकी हो गई रैंक वन लेकिन डिटरमिनेंट इसकी जीरो है तो सी कंट्राडिक्ट हो जाएगा, सी हमारा यहां से कंट्राडिक्ट हो जाएगा। सिमिलरली रैंक n डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू वन, नॉट इक्वल टू वन में जीरो भी आता है तो लास्ट वाला ऑप्शन हमारा ये कह रहा है। मैं इसके लिए थोड़ी सी इधर जगह क्लियर कर लेता हूं, अच्छा इसको देख लेते हैं फटाक से। इसमें कह रहा है कि भाई रैंक अगर n है, यानी रैंक n है, n बाई n का मैट्रिक्स है आपका, यानी फुल रैंक है, फुल रैंक है, तो डेफिनेटली अगर रैंक n आ गया तो आपका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा। इस केस में डिटरमिनेंट नॉन जीरो होता है, आपको पता ही है नॉन जीरो होता है, नॉट इज इक्वल टू वन, क्योंकि इसमें तो जीरो भी आ गया है ना, तो डिटरमिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए। नॉट इज इक्वल टू वन अगर होगा तब तो इसमें जीरो भी आ जाएगा, तो वो कंट्राडिक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी सही है। इसमें आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल में।